हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के साथ चिकन करी। इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें हमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करना होता है ताकि तिल का जो अपना स्वाद है वो बरकरार रहे। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो चिकन, जिसे हमने करीब आधे घंटे के लिए नमक हल्दी मिलाकर मैरिनेट किया है, 3 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, कुछ कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े कटे हुए आलू, 1 कप भुनकर पिसा हुआ तिल, अदरक लहसुन का पेस्ट। और मसालों में हमें चाहिए नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और तीखेपन के लिए काले मिर्च। हम एक गैस पर कढ़ाई को गर्म करेंगे और इस गर्म कढ़ाई में हम तिल को भून लेंगे। तिल को तब तक भुनना है जब तक उससे भुनी भुनी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए, और उसके बाद तिल को ठंडा करके उसे मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। हम तिल को सूखा ही पीसेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो हमें उसमें ऐड करना है कटा हुआ प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज को कुछ देर तक अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। कटी हुई हरी मिर्च को ऐड करने के बाद हमें प्याज और मिर्च को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पर मैंने यहाँ सारा अदरक लहसुन का पेस्ट एक बार में ऐड नहीं किया है, करीब आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम बाद में ऐड करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो हम उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और उन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। कुछ देर फ्राई करने के बाद हम वहाँ ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। हमें ये याद रखना है कि हमने मैरिनेशन के वक्त भी नमक और हल्दी मिलाया था। नमक और हल्दी मिलाने के बाद हम कुछ देर तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमारी चिकन थोड़ी देर तक फ्राई हो जाए तो हम इसमें बचा हुआ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से सबको मिलाकर फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, यानी कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मसालों को मिलाने के बाद हम इसे फिर से हिलाकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर सूखे मसाले कढ़ाई के नीचे लगने लगे तो इस स्टेज पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद हम ऐड करेंगे आलू। आलू को हमने शुरुआत में चिकन के साथ ऐड नहीं किया है था, क्योंकि अगर शुरुआत में ही आलू को ऐड करेंगे तो आलू जल्दी पक जाएगा और उसकी टूट जाने का डर रहेगा। आलू और चिकन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक वो करीब 80% तक कुक ना हो जाए। ये देखिए, हमने चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लिया है, और इस स्टेज में हमें जो तिल है उसका पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाना है और चिकन की करी में ऐड कर देना है। तिल को मिलाने के बाद हम उसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक तेज़ आंच में भून लेंगे और फिर उसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और उसमें करीब 300 ml का पानी डालेंगे और उसमें अच्छी उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही उसमें अच्छी उबाल आ जाए आप उसे ढक दें और 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ दें। देखिए, हमारी चिकन करी सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। आप इस चिकन करी को प्लेन राइस के साथ सर्व करें, क्योंकि ये चिकन करी पुलाव या जीरा राइस से ज़्यादा प्लेन राइस के साथ अच्छी लगती है।
तो देखिए तिल, चिकन करी और फिश के साथ हमारी एक सिंपल सी असमीज थाली रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।